टॉपलाइन की मादी है और पार बिलू बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो ये भी इंशाल्लाह फोर सेल के लिए अवेलेबल है। पार बिलू पेल फैलो की मादी है जी। सुमेर साहब, ये इनके चिक्स हैं जी। ये इनके अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स हैं। तीन एग मौजूद हैं जी। देखें अभी जो दो का कलर तो आया है, ब्लू ऑफलाइन का, ब्लू ऑफलाइन और वायलेट ऑफलाइन। और बता दें कि आप लोग पहले से बुकिंग करवा लें, क्योंकि एक दो महीने के बाद इनकी ढाई महीने की तीन महीने की एज हो जाएगी मैच्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से अदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, एक बार फिर से हमारी टीम आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में एक सेटअप की वीडियो के साथ पेश है। आज हमने सोचा क्यों ना आप व्यूअर्स की खातिर मोटिशन के सेटअप पर भी विज़िट किया जाए। आज हम एक नए सेटअप पर आए हैं, आप लोग को यहाँ पर मोटिशन के कुछ वैरायटी दिखाएंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पर मालूमात मिली थी कि यहाँ पर मोटिशन के कुछ चिक्स आए हैं, और यहाँ पे पहले से बुकिंग जो कराएंगे उनको चिक्स मिल जाएंगे। और बुकिंग की टाइमिंग भी मालूम करेंगे, कितने दिन पहले बुकिंग करवानी है चिक्स की, तो क्या टाइमिंग होनी चाहिए वो भी मालूम करेंगे। आइए सेटअप के ऑनर से मुलाकात करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि इनके सेटअप पर हमने पहले भी कवरेज की थी। ये अलफला सोसाइटी के अंदर इनका सेटअप है यहाँ पर। तो बात करते हैं सुमेर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? आपका बहुत करम जी। ये बताएं, आज आपने हमारी टीम को बुलाया व्यूअर्स को दिखाने के लिए, कौन कौन सी म्यूटेशन के इस वक्त चिक्स आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनो के, रेड आई के चिक्स हैं, हमारे पास क्रीमिनो हैं, डेकिनो हैं, हमारे पास ऑफलाइंस के चिक्स हैं, हमारे पास पार ब्लू ऑफलाइन, हमारे पास पार ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन के चिक्स हैं, हमारे पास पार ब्लू पेलफेलो के चिक्स हैं, और मुख्तलिफ म्यूटेशन हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा सुमेर साहब, एक कुछ बातें यहाँ क्लियर कर देगा व्यूवर्स के साथ। ये बताएं कि आप जो चिक्स सेल करते हैं व्यूवर्स को किस एज के अंदर करते हैं, और बुकिंग की टाइमिंग क्या है पहले से बता दें, ताकि जो हजरात बुकिंग करवाना चाहेंगे आपसे रब्ता कर लेंगे जी। इंशाल्लाह चिक्स जो हैं वो हम बुकिंग अभी इस वीडियो के बाद से स्टार्ट कर देंगे, और तकरीबन हमारे पास जब चिक्स ढाई से तीन महीने के हो जाते हैं, हम जब जो है वो व्यूवर्स को देते हैं, आपके जो भी व्यूवर्स होंगे उनको देंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास चिक्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन महीने महीने सवा सवा डेढ़ डेढ़ महीने की चिक्स हो गए, तो इंशाल्लाह एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद हम चिक्स देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सुमेर साहब, सेटअप की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये बताएं जो आप चिक्स देंगे उसके साथ आप डीएनए भी देंगे, डीएनए रिपोर्ट? इंशाल्लाह जितने भी हम चिक्स देते हैं, पिछली भी हमारी वीडियोज़ में आपको बताया था और दिखाया भी था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आपको बता भी रहे हैं, दिखाएँगे भी इंशाल्लाह, तमाम चिक्स हम डीएनए के साथ देते हैं, विदाउट डीएनए नहीं देते हम किसी को भी। ठीक है, तमाम चिक्स आप डीएनए के साथ देंगे और ढाई महीने की एज में देंगे इंशाल्लाह, ढाई से तीन महीने की एज में इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, चलिए जी। सुमेर साहब, इस पेयर के बारे में बताएं, क्या क्वालिटी है इसकी? ये पेयर जो है वो पार ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन की मादी है, और पार ब्लू पेलफेलो का नर है, और इसने अल्हम्दुलिल्लाह एग लेंग किए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल एग हैं इंशाल्लाह, इसके भी एक डेढ़ महीने में, एक महीने में 28 दिन में बच्चे आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको सेल के लिए अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी प्राइसेस क्या होगी चिक की, ढाई महीने की चिक की? ये ऑन कॉल बताएंगे इंशाल्लाह, ऑन कॉल बताएंगे, ऑन कॉल बता देंगे इंशाल्लाह। वैसे इस पेयर की कुछ प्राइस बता दें, क्या वैल्यू है इसकी? ये सबसे महंगे पेयर है इस टाइम, बस इतना बता देंगे आप, महंगे पेयर है। अच्छा ये बताएं, इस ये जो आपने पेयर लगाया इसमें से चिक्स कौन से आएंगे? कुछ जो है पार ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन के भी आते हैं, पार ब्लू ऑफलाइन के भी आते हैं, स्प्लिट पेलफेलो के भी आते हैं, और पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेलफेलो भी आते हैं, इसमें तमाम चिक्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुमेर साहब, इसके बारे में बताएं जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पेयर है, ये पार ब्लू ऑफलाइन की मादी है, और ब्लू ऑफलाइन का नर है, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह तीन बच्चे इस टाइम पे बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा जो है वायलेट ऑफलाइन दिया है इसने, एक बच्चा ब्लू ऑफलाइन है, एक बच्चा पार ब्लू ऑफलाइन है इसका, तो इंशाल्लाह वो बच्चे भी अभी आपको दिखाते हैं जी। सुमेर साहब, ये चिक्स हैं इनके जी? ये देखिए, ये चिक्स हैं इनके, मैंने जैसे बताया ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन और वायलेट ऑफलाइन, ये देखें ये तीन इनके अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स हैं। अच्छा, अब इनकी एज कितनी हो गई? ये तकरीबन एक एक महीने के हो गए, तो इंशाल्लाह ये अभी एक महीने बाद, एक डेढ़ महीने बाद इंशाल्लाह हम फिर सेल करेंगे इनको जी। जनाब, इसके प्राइजेज बता दें। देखें जी, प्राइजेज जो है वो हम इंशाल्लाह ऑन कॉल बताएँगे, मगर मार्केट वैल्यू में जो आपको वो मिलते हैं व्यूअर्स को, उससे कम में ही देंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, मार्केट में जो रेट चल रहे होंगे उसमें इससे कम में मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। सुमेर साहब, इसकी भी क्वालिटी बता दें व्यूअर्स को जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वायलेट ऑफलाइन की मादी है, पार ब्लू ऑफलाइन का नर है,
और इसके भी माशाल्लाह से बच्चे आए हैं चार, इंशाल्लाह वो बच्चे आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह अभी उनमें क्वालिटी पर की नहीं आई है, थोड़े छोटे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही बड़े होंगे तो क्या चीज़ आई है वो भी आपको सामने आ जाएगी इंशाल्लाह, आपको बच्चे दिखाते हैं इंशाल्लाह इसके। जी सुमेर साहब, ये इनके चिक्स हैं जी, ये देखें ये चार बच्चे हैं इनके माशाल्लाह से, तो ये जैसे ही इंशाल्लाह बड़े होंगे तो ये भी इंशाल्लाह फोर सेल के लिए अवेलेबल होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से इसमें इसमें एक आइडिया है मेरा कि दो बच्चे जो है वो पार ब्लू ऑफलाइन के आ रहे हैं और दो बच्चे ब्लू वायलेट ऑफलाइन के आ रहे हैं, बाकी ये अल्लाह पाक को जो मंजूर आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अभी इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन अभी जो है वो 20-25 दिन के बच्चे हैं ये अभी। जी समीर साहब, ये कौन सा पेयर है इसके बारे में? ये हमारा पेयर है मादी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पार ब्लू पेलफेलो की मादी है और नर पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेलफेलो का है। जो मैंने ऊपर आपको अभी एक पेयर दिखाया था ना पार ब्लू ऑफलाइन का, जो मैंने पेयर लगाया था पार ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन का, वो इन्हीं के चिक्स है पिछले साल के, वो मैंने रोक के अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास पेयर लगाया है तो ये उसी के चिक्स है, उन्होंने भी अंडे ले किए हुए हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेयर है। इसके अंदर नीचे भी अभी चार बच्चे हैं, इंशाल्लाह आपको बच्चे भी दिखाते हैं। अच्छा, जो आपने सबसे पहले पेयर दिखाया था उन्हीं के चिक्स हैं जो प्रोग्रेस में है अभी? जी, ये नर माँ बाप हैं जो अभी आप देख रहे हैं और वो जो पहले नंबर पे दिखाए थे वो इनके चिक्स थे। अच्छा, पिछले वो इनके साल चिक्स हैं। के जी, ये माँ बाप है उनका? जी, ये माँ बाप है उनके। जी समर साहब, ये इनके चिक्स हैं? जी, ये इनके अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स हैं और ये आप देख रहे हैं कि इनके पार ब्लू ऑफलाइन में आने लगे हैं। अब ये थोड़े बड़े हों तो पता चले पार ब्लू ऑफलाइन हैं, स्प्लिट पेलफेलो हैं या क्या हैं। अच्छा, उसमें भी DNA करके इंशाल्लाह पता चल जाता है कि अगर नर होगा तो स्प्लिट पेलफेलो होगा, अगर मादी होगी तो पार ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन होगी। तो इंशाल्लाह जैसे ये अभी थोड़े बड़े होते हैं तो इंशाल्लाह इनका सब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी इनकी एज कितनी है? ये भी अभी तकरीबन महीने के 28 दिन के ऐसे बच्चे हैं ये। ठीक है, चार चिक्स हैं इनके? चार चिक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुमेर साहब, इस पेयर के बारे में बताएं। ये भी मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह पार ब्लू पेलफेलो की मादी है, पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेलफेलो का नर है, इसने भी एग ले किए हुए हैं, इंशाल्लाह अभी आपको एग भी दिखाते हैं और ये भी मेरा बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह पेयर है। जी जनाब, कितने एग्स हैं इसमें? इसमें अभी 3 एग इसने ले कर दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह ये और ये 5-6 एग ले करती है और बच्चे निकालती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी 3 एग मौजूद हैं? जी, 3 एग। इन एग्स को कितना टाइम हो गया अभी? ये अभी इन्होंने एक हफ़्ता हुआ है देना शुरू किए हैं तो अभी इंशाल्लाह ये और एग ले करेगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्टाइल एग्स भी हैं, इसमें 2 एग फर्टाइल हो चुके हैं। अच्छा, 2 एग फर्टाइल हो चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और ये ले करेंगे इंशाल्लाह, वो आहिस्ता आहिस्ता सब फर्टाइल होते जाएंगे इंशाल्लाह। जी सुमेर साहब, इनके बारे में बताएं। ये मेरा ग्रीन पेलफेलो का पेयर है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह इसने पिछले साल भी बड़े अच्छे बच्चे दिए हैं, इस साल भी अंडे ले कर दिए हैं इंशाल्लाह, ये अंडे भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी इनके कितने अंडे आए हैं? इनके अभी 4 अंडे आए हुए हैं इंशाल्लाह, वो अभी आपको दिखाते हैं। जी, तो 4 एग्स हैं इसके? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 एग्स हैं इसके और इंशाल्लाह अभी और अंडे आप देखें, मादा लोड है इंशाल्लाह और अंडे देगी अभी। अच्छा, ये बताइए कि फर्टाइल है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से देखें 3 फर्टाइल हैं, एक अभी हो जाएगा इंशाल्लाह फर्टाइल। ठीक है, तो ये भी बता दें कितने दिन हो गए? ये अभी एक हफ्ते से इन्होंने अंडे रखने शुरू किए हैं। और चिक्स कब तक आ जाएंगे? चिक्स इंशाल्लाह एक हफ़्ता हो गया तो 20-22 दिन में इंशाल्लाह चिक्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं सुमेर साहब, इसमें कौन कौन से चिक्स निकलेंगे? इसमें ये ग्रीन पेलफेलो के चिक्स ही निकलेंगे क्योंकि सेम पेयर है, ये सेम पेयर है, ग्रीन पेलफेलो के चिक्स ही निकलेंगे। जी 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 सुमेर साहब, इसकी क्वालिटी भी बताएं व्यूअर्स को। जी, ये मेरा मादी है पार ब्लू ऑफलाइन की और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का नर है, इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे मेरे पास आए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास चिक्स वगैरह तो ठीक ठाक माशाल्लाह हैं, तो इसी के अंदर आपके पास कितने पेयर हैं? मेरे पास इसमें के 4-5 पेयर हैं, इसी यानी कि ग्रीन ऑफलाइन और पार ब्लू ऑफलाइन में 4-5 पेयर हैं, फिर पेलफेलो प्रोग्रेस में जो भी। जी, प्रोग्रेस में सारे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मेरे पास अभी दिखाता हूँ आपको पार ब्लू स्प्लिट इनो और रेड आई अल्बाइनो के तकरीबन 50 पेयर लगे हुए हैं मेरे पास, अल्बाइनो रेड आई के तकरीबन 25 पेयर लगे हुए हैं मेरे पास, बाकी म्यूटेशन में भी तकरीबन 50 के करीब पेयर हैं मुख्तलिफ म्यूटेशन में मेरे पास। अच्छा, मैं चाहूँगा इसके चिक्स या एग्स जो भी हैं वो भी दिखा दूँ। चिक्स भी दिखाता हूँ। जी सुमेर साहब, जी ये इसके माशाल्लाह से चिक्स हैं, ये देखें ये वाला जो बच्चा है ये ग्रीन यूविंग इंशाल्लाह निकलेगा और ये तीनों बच्चे जो हैं इंशाल्लाह ये पार ब्लू ऑफलाइन के निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका जो अंदाज़ा है वो पार ब्लू ऑफलाइन और ये जो है? जी, जब ये ग्रीन में कोई भी बच्चा आने लगता है ना तो उसके जब बच्चा भले एक दिन का अंडे से निकलेगा तो उसमें ऑरेंज कलर का रुआ होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं इसमें ऑरेंज कलर का रुआ है तो ये ग्रीन में ही निकलेगा और ये तीनों इंशाल्लाह पार ब्लू में निकलेंगे इंशाल्लाह।
जी सुमेर साहब, ये कौन से आप चिक्स दिखाने हैं व्यूअर्स को? मेरा पेयर है वायलेट ऑफलाइन का नर है, पार ब्लू ऑफलाइन की मादी है। ये उनके माशाल्लाह से चिक्स हैं, ये आप चार चिक्स ये भी देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से कलर में? ये देखें, अभी जो दो का कलर तो आया है ब्लू ऑफलाइन का, अब ये थोड़ी देर में दिनों के बाद पता चलेगा ये पार ब्लू में आ रहे हैं या ब्लू में ही आ रहे हैं, तो ये अभी थोड़े से बड़े होंगे तो क्लियर होगा इनका। अच्छा, अभी माशाल्लाह से इनके चार चिक्स हैं। जी माशाल्लाह से चार चिक्स हैं इसके, ये देखें। इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन सवा महीने, एक महीना सवा महीने के एज है इनकी। अच्छा, इसके जो पेरेंट्स हैं कौन कौन से पेरेंट्स बताएं आपने? पेरेंट वायलेट ऑफलाइन का नर है और पार ब्लू ऑफलाइन की मादी है। ठीक है, इसमें आपके पास कितने पेयर लगे हैं? इसमें मेरे पास 6-7 पेयर हैं तकरीबन। 6-7 पेयर है जो प्रोग्रेस के अंदर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुमेर साहब, ये कौन सा पेयर है? ये पार ब्लू ऑफलाइन की सॉरी पार ब्लू स्प्लिट इनो की मादी है और अल्बाइनो रेड आई का नर है। तो इसके भी माशाल्लाह से बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, इसके भी बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। जी ये चार बच्चे माशाल्लाह से इसके हैं, दो अल्बाइनो ब्लैक आई आए हुए हैं इसमें, दो डेकिनो आए हुए हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दो डेकिनो हैं और दो अल्बाइनो हैं? जी दो डेकिनो हैं और दो अल्बाइनो ब्लैक आई हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन सवा सवा महीने के, एक एक महीने सवा महीने के बच्चे। ठीक है। अच्छा, जो आपने इनके पेरेंट्स बताए उनमें कितने आपके पास पेयर लगे हैं? इसके मेरे पास 50 पेयर लगे हुए हैं। इसके 50 पेयर हैं? 50 पेयर लगे हैं माशाल्लाह। सारे वर्किंग में? सब अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं सुमेर साहब के डेकिनो के आपके पास चिक्स कितने हैं और पार ब्लू के कितने हैं आपके पास इस दफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम जो है वो 9 बच्चे डेकिनो के आए हुए हैं और तकरीबन 16 बच्चे पार ब्लू के हैं, फिर कुछ अल्बाइनो रेड आई के मेरे पास तकरीबन 7-8 बच्चे हैं जो स्प्लिट इनो हैं इनसे निकले हुए हैं, और जो अल्बाइनो टू अल्बाइनो रेड आई निकले वो अलग हैं, इनके बच्चे जो बता रहा हूँ ये वो हैं, प्लस जो है ब्लैक आई के तकरीबन 5 बच्चे हैं मेरे पास, और पार इसमें से क्रीमिनो के तकरीबन मेरे पास जो है वो 11 बच्चे आए हुए हैं तकरीबन इसी तरीके से बच्चे, फिर इसमें फिशरियाँ भी आई हुई हैं, मुख्तलिफ़ फिशरियाँ भी हैं काफ़ी, तो इस तरीके से इनमें बच्चे आए हुए हैं। ठीक है। जी सुमेर साहब, अब हमारे व्यूवर्स को क्या दिखा रहे हैं आप? जी ये मेरा जो है वही जैसे मैंने बताया पार ब्लू स्प्लिट इनो की मादी है, अल्बाइनो का नर है, और इसमें बच्चे जो आए हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ सरप्राइज करने वाले हैं आप? जी बस सरप्राइज ही सरप्राइज है। जी ये देखिए माशाल्लाह, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमिनो का एक बच्चा है, अल्बाइनो रेड आई का एक बच्चा है, अल्बाइनो ब्लैक आई का एक बच्चा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये 3 बच्चे हैं, ये चौथा मर गया, वो भी क्रीमिनो था मगर वो मर गया। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 1.5 महीने के बच्चे हैं, सवा महीने 1.5 महीने के बच्चे। जी सुमेर साहब, इस पेयर के बारे में बताएं। अच्छा, ये भी वही पेयर है पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई, इसके इसने देखें अल्बाइनो के सारे बच्चे दिए हुए रेड आई के। अच्छा माशाल्लाह, रेड आई में दिए हैं? जी हाँ, ये देखिए ये इनमें रेड आई में बच्चे। ठीक है, तो कितने चिक्स हैं इनके? इनके 3 चिक्स हैं, 2 ये रहे एक अंदर है, वो थोड़ा छोटा है। जी सुमेर साहब, इसमें कौन कौन से चिक्स हैं? ये भी वही पार ब्लू स्प्लिट इनो की मादी है और अल्बाइनो का नर है, और इसमें देखें ये बच्चा पार ब्लू है स्प्लिट इनो, ये बच्चा पार ब्लू है स्प्लिट इनो, ये बच्चा देखें फिशरी में आ रहा है, और ये बच्चा भी देखें फिशरी में। अच्छा, तो चार चिक्स की एज कितनी है? इसके भी 4 चिक्स, ये भी 1.5 महीने 1.5 महीने की एज है इनकी, ये देखें ये पार ब्लू में माशाल्लाह। ये भी पार ब्लू ही लग रहा है मुझे, मगर ये अभी 4-5 दिन में क्लियर होगा कि ये पार ब्लू है या फिशरी में है ये बच्चा। जी सुमेर साहब, ये मेरा अल्बाइनो का पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके भी 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे इंशाल्लाह मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी अल्बाइनो का, अल्बाइनो रेड आई का अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर पेयर है। अच्छा माशाल्लाह, इनकी एज कितनी है? इनकी एज भी 1.5 महीने तक, 1.5 महीने के करीब है। ये 4 बच्चे हैं, ये 2 ये रहे, 2 और अंदर हैं, ये 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जी समर साहब, चार चिक्स हैं, चार बच्चे हैं इसके, ये चारों बच्चे हैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा ये बताएं समर साहब, एल्बिनो के आपके पास अभी इस वक्त वर्किंग में कितने पेयर हैं? अल्बाइनो के मेरे पास 25 पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वर्किंग के अंदर हैं। बाकी अभी पट्टे हैं जो अभी मेरे पास 6-6 महीने के हैं, वो इंशाल्लाह बड़े होंगे तो फिर उनको भी मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या दिखाएंगे व्यूअर्स को? अब मैं आपको दिखाने को तो बहुत कुछ है, आपको ऐसा करता हूँ कि वो क्रीमिनो डेकिनो के जो पेयर लगाएं वो दिखा देता हूँ। ठीक है जी सुमैर साहब, इस पेयर के बारे में बताएं। जी ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डेकिनो का नर है और क्रीमिनो की मादी है। ये एक पेयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लगा हुआ है, तो ऐसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7 पेयर लगे हुए हैं और इनके बच्चे भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जी सुमैर साहब, ये इनके चिक्स हैं? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके चिक्स हैं, ये देखें, एक डेकिनो का बच्चा है इसके नीचे, एक अल्बाइनो ब्लैक आई का बच्चा है। अच्छा अल्बाइनो इस पेयरिंग में जो हमने अपने उस्तादों से सीखा है, इस पेयरिंग में जो है वो ज़्यादा चांस होते हैं ब्लू टू आने के। अगर चाहे अल्बाइनो ब्लैक आई आए चाहे अल्बाइनो रेड आई आए, उसमें ब्लू टू के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। अच्छा दो बच्चे चूँकि छोटे थे ज़्यादा, ये बड़े हो गए थे, वो देर से निकले थे, तो वो दो बच्चे मैंने आगे फोस्टिंग भी किए हैं, उसमें एक क्रीमिनो है और एक अल्बाइनो रेड आई है। अच्छा, तो ये मैंने आगे फोस्टिंग किए हैं, वो छोटे थे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अगर बोलेंगे तो दिखा दूंगा। अच्छा अभी इनकी चिक्स एज कितनी बताना है चिक्स की? ये तकरीबन जो है वो 1.25 महीने 1.5 महीने के बच्चे हैं। तो व्यूवर्स, ये सुमैर साहब के हमने सेटअप पे नज़र डाली है, आज इनके पास जितने भी जो म्यूटेशन वर्किंग में है वो दिखाया आपको, और आप लोग को दिखाते हैं इनके सेटअप का ओवरव्यू। अगर मैं तमाम बॉक्सेस आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो तमाम बॉक्सेस के अंदर माशाल्लाह से चिक्स हैं, और मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन माशाल्लाह से सुमैर साहब के पास इस वक्त म्यूटेशन के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आ रही है जो हमने आपके साथ शेयर करी है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे के सारे तमाम के तमाम ब्रीडर पेयर्स हैं जिसके अंदर बॉक्सेस लगे हुए हैं और सारे वर्किंग के अंदर हैं। इसमें से हमने वीडियोस में दिखाए आपको निकाल निकाल के भी चिक्स दिखाए हैं, कुछ एगलिंग पर हैं और कुछ अभी एगलिंग कर रहे हैं, तो तमाम के तमाम प्रोग्रेस के अंदर हैं माशाल्लाह। जी सुमैर साहब, इसके अलावा आप क्या बता रहे थे व्यूअर्स को? मैं ये बता रहा था कि ये मेरा एक पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका अंडा चटक गया था तो उसमें सुराख हो गया था, मैंने उस पर नील पॉलिश लगाई है, ये नील पॉलिश लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडा देखें अभी तक फर्टाइल है। अच्छा माशाल्लाह, और इसमें बच्चा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको कवर जो किया वो नील पॉलिश? मैंने नील पॉलिश से इसको कवर किया है, ये देखें नील पॉलिश लगाई हुई है इसमें मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बच्चा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्टाइल अंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपने इससे पहले भी इसके ऊपर तजर्बे किए? मैंने बहुत किए, पहले मेरे पास बड़े पैरट्स भी थे, गिरे वगैरह और पहाड़ी वगैरह सब कुछ था, पहले आपकी वीडियोस में देखा हुआ। अगर कोई चटक गया तो इस तरीके से आप बिल्कुल, कोई चटक जाए तो आपको एग को महफूज करना है, अगर अंदर हवा नहीं गई हो, अंदर की झिल्ली ना फटी हो, अगर ऊपर का खाली कवर फटा हो, आपने फौरन इस पर नील पॉलिश लगा देनी है, इंशाल्लाह वो अंडा आपका ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह फर्टाइल होगा और उसमें बच्चा भी बन के निकलेगा। हम तो बहुत निकाल चुके हैं, और पता चला बाद में सुमैर साहब के जो नील पॉलिश का कलर हमने लगाया था चिक्स के नेल्स में वही कलर आ रहा है, तो फिर नहीं वो है मुश्किल काम है थोड़ा सा आना, क्योंकि वो कवर पे अंदर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, तो ये सुमैर साहब के जो सेटअप है उसका दूसरा पोर्शन है जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्बिनो वगैरह और डिफरेंट पेयर्स इन्होंने लगाए हैं, जिसमें इस वक्त इनके पास प्रोग्रेस आ रही है। तो यहाँ पर जो है सारे म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं सुमैर साहब, और जो भी चिक्स आए थे वो आपके साथ शेयर करें, आपको दिखाए। तो अब एंड में सुमैर साहब का नंबर भी लेते हैं, इनसे इजाज़त भी लेते हैं। जी सुमैर साहब, तो आपने जो सेटअप में जो चिक्स दिखाएं तो व्यूवर्स पहले से ही बुक कर लें? जी बिल्कुल कर लें। ठीक है, अब मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी के कितने कितने चिक्स अभी मौजूद हैं? जी मेरे पास तकरीबन जो है वो 30 से 35 अल्बाइनो के बच्चे मौजूद हैं, पार ब्लू स्प्लिटिनो के अंदर जो है वो फिशरीज़ हैं, पार ब्लू स्प्लिटिनो हैं और डेकिनो क्रीमिनो है। डेकिनो क्रीमिनो कुछ मैं अपने लिए भी रोकूंगा अभी, सही है, कुछ बेचूंगा इंशाल्लाह। और मेरे पास वायलेट ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू स्प्लिट पेलफेलो, पार ब्लू ऑफलाइन पेलफेलो, इन सब के चिक्स इंशाल्लाह आ रहे हैं, ये सब इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। अच्छा लास्ट में एक सवाल और करना चाहूँगा, जो आपके ब्रीडर पेयर उसमें से आप कोई भी पेयर सेल नहीं करते, चिक्स सेल करते हैं? जी ब्रीडर पेयर कोई भी सेल नहीं करते, चिक्स सेल करते हैं। और मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, आपके ने ये सवाल पूछा अच्छा, तो इस बिहाफ के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी मार्केट से किसी भी व्यूवर्स को कोई चिक नहीं, ब्रीडर पेयर नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर मेरे पास ब्रीडर पेयर प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं क्यों बेचूँगा,
उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा, अनफर्टिलिटी होगी या उसकी उम्र पूरी हो गई होगी, एग लेइंग कम कर दी होगी उसने, 4-5 से वो 2 अंडे दे रही होगी, तो मैं इसलिए वो ब्रीडर करके बेचूंगा। सुमेश, आपके कहने का मकसद ये है व्यूवर्स के अगर कोई भी अच्छी म्यूटेशन का पेयर सेल हो रहा हो मार्केट के अंदर, तो आप बहुत देखभाल के परचेज करें, ऐसे तो नहीं उम्र पूरी कर चुका है या बीमार है या फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये कहना चाहते सुमेश जी, जब भी आप लें चिक्स लेके थोड़ी मेहनत करें, पालना भी सीखेंगे उसको, अल्हम्दुलिल्लाह आपके माहौल में ढला हुआ चिक होगा, आपके पास पला हुआ होगा, वो आपको उस हिसाब से अच्छी ब्रीड देगा। तो मेरे हिसाब से चिक्स ही लेना चाहिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, शॉर्टकट में जल्दी अड्डे लेने के लिए आप ब्रीडर पेयर मत लें कभी भी। ठीक है जी। अच्छा सुमेश साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03110200201 और इसमें मेरा व्हाट्सअप भी है, और दूसरा नंबर अगर कोशिश करें ज़्यादा मौज़म भाई से रब्ता करें तो मौज़म भाई का नंबर है 03151203966। ठीक है जी, मौज़म भाई से रब्ता करें, मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, हो सकता है फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो मौज़म भाई से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गाइड कर देंगे, अच्छी चीज़ें बुक कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी टाइमिंग बता दें कि आपकी कॉल रिसीविंग की टाइमिंग क्या है। मुझे वैसे तो मैं दोपहर 12 बजे के बाद कॉल रिसीव कर लेता हूँ, मगर मैं चूँकि एक सर्वेंट हूँ तो जाहिर सी बात है कभी मीटिंग्स में हूँ, कभी कहीं हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता, तो इस वजह से अगर मौज़म भाई को करेंगे वेलन, नहीं तो मुझे भी करें, रात 10-11-12 बजे तक आप कॉल कर ले, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है सुमेश साहब, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, व्यूवर्स को अच्छा गाइड करेगा, ठीक है, और जो भी मुनासिब कीमत हो उसमें कमी पेशी करके इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, आज हमारी टीम ने सुमेश साहब के सेटअप की कवरेज की। सुमेश साहब जो हैं इंसान दोस्त शख्सियत हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आप इनसे रब्ता करेंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया होगा कितने फ्रेंडली हैं, और इनकी अच्छी बात यह है कि म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और जब भी इनके पास ब्रीड आती है तो ये हमारे खासकर हमारे व्यूवर्स का बहुत ख्याल करते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए हमारी टीम को लाजमी इन्वाइट करते हैं और चिक्स दिखाते हैं। तो इस तरीके से सुमेश साहब ने आज हमें म्यूटेशन के चिक्स दिखाए और बता दिए कि आप लोग पहले से बुकिंग करवा लें, क्योंकि 1-2 महीने के बाद इनकी 2.5 महीने की 3 महीने की एज मैच्योर फॉर्म के अंदर पे ये सेल कर रहे होते हैं। तो सुमेश साहब का हमने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है। ये थी लवबर्ड्स के म्यूटेशन की एक वीडियो, खासकर दिलखसूस आप व्यूवर्स के लिए आए थे, उम्मीद करता हूँ आप व्यूवर्स को पसंद आएगी। आप लोग हमें फीडबैक में ज़रूर कमेंट से बताएगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी तरीके से सेटअप की कवरेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप लोग हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।